हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, वो भगवान के भक्ति बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। वो जो बेचारी थी, बिना पूजा पाठ किए हुए भोजन नहीं करती थी, क्यों ना दिन भर उन्हें भूखे प्यासे रह जाना पड़ जाता था, लेकिन फिर भी वो बेचारी शिष्या बहना बिना पूजा पाठ किए हुए, बिना भगवान का धूप दीप दिखाए हुए वो भोजन नहीं करती थी। उसका ब्याह हुआ, एक गरीब परिवार में हो गया ब्याह, और गरीब परिवार में हुआ तो बेचारी पति पत्नी दोनों खेत में काम करने जाते थे, और खेत में काम करके आते थे। उनके सास ससुर जो थे अंधा अंधी थे, बेचारी अपने पति के साथ पति के मदद के लिए खेत में जाया करती थी। उसका पति खेत में काम कर रहे थे और एक सर्प निकला और उसका पति के पांव में डस लिया। पति के पांव में डस लेने के कारण उसका पति का मृत्यु हो गया। बेचारी अपने पति को लाश लेकर चाव कोना घूमी, लेकिन उसका पति का जीवन कोई नहीं बचाए। उस वक्त महादेव भी उस पे सहायता नहीं हुए, महादेव भी मुंह फेर लिए। उनका पति का अग्नि संस्कार कर दिया गया। ओ बेचारी विधवा बन के बैठ गई, लेकिन उसका पेट में 8 माह का बच्चा था। बेचारी बेसहारा हो गई। उसके अंधा अंधी सास भी उसका साथ छोड़ दिए। दोनों का बेटा का दुख में अपना दम तोड़ दिए। अब बेचारी शिष्या बहना का कोई सहारा नहीं था, कोई भी इसे दिलासा देने वाला नहीं था। एक सिर्फ पेट में बच्चा था। 9वां महीना होने के बाद उसका पेट का बच्चा जन्म लिया, वो लड़का जन्म लिया। अब बेचारी, एक तो प्रसव हुआ था और दूसरे में इसका घर में खाने का अन्न भी नहीं था। क्या करती, लोगों से मदद ले लिया कर रही थी। एक आध महीना बच्चा को हुआ तो सोचती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इतना छोटा बच्चा को लेकर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। किसी घराने में पता की कि भैया आपका घर में नौकरानी का काम है, तो लोग का दया माया लगा तो कहते हैं कि भैया ये विधवा है, इसको यदि काम कर पे रख लेंगे तो अपना भी पेट भर लेगी, अपना बच्चे का भी पालन पोषण कर लेगी। तो 2 से 3 घर वो बेचारी झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, और एक घर में सारा काम करती थी, भोजन भी बनाती थी। 3 घर में काम करती थी तो उसका पूरा प्रतिपाल अच्छा से होने लगा। दिन भर व्यस्त रहती थी, धीरे धीरे उसका समय का पालन होने लगा, बढ़ने लगा। बच्चा जो था उसका अच्छे से बड़ा होने लगा। धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया, तो वो बच्चा जो था, बच्चा बड़ा हो गया। बेचारी 3 घर में काम करके बेटा का कलेक्टरी पढ़ाया, कलेक्टर का पढ़ाई पढ़ाई। जब जरूरत पड़ा तो 3 घर के जो मालिक मालकिन थे, बड़े दयालु दयावान थे, इसके बेटा के पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देने लगे, इसके लालन पालन में कोई कमी नहीं हो रही होने दी विधवा माँ। और बेटा जो था कलेक्टर बन गया, एक अच्छे घराना में ब्याह हो गया,
और एक अच्छी बहू आ गई। बेटा जो था माँ के बोला, माँ तूने सारा दिन दुखरा मजूरी करके मुझे लालन पालन की, पढ़ाई लिखाई, अब तू किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करेगी, तेरे लिए तो मैं खुद एक अच्छा सा घर बना दूंगी। जो कलेक्टर बेटा था वो एक अच्छा सा बहुत सुंदर घर बनाया और घर बनाकर उसमें रहने लगा सारा परिवार। जो इन्हें प्रतिपाल किया था उन्हें भी अपने माता के समान तीनों घराने में लोग को मानते थे। माँ को लगा कि अब मेरा बेटा और बहू बड़े समझदार हैं। बहू आई, कुछ दिन भोजन बनाई, लेकिन कभी माँ को परोसता था सास को जली रोटी, कभी कच्ची रोटी, कभी कच्ची सब्जियाँ। माँ बेचारी फिर भी खा लिया करती थी। कभी कभी बेटा आया आ जाया करता था तो कहता था, माँ तेरा रोटी इतना जल कैसे गया, तेरा सब्जी कच्चा है, तेरा सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा है, तेरा सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है। ये सब बहू को अच्छा नहीं लगता था सुन के, जानबूझ के बहू करती थी। एक दिन बोली, माँ जी आप कैसा खाना बनाते हैं, आप ही बनाइए, आपका बेटा के साथ तो मुझे भी जॉब लग गया है, अब हम भी ड्यूटी जाएंगे। सास बोली, बेटी जब तक मेरा समय चलेगा, शरीर में ताकत रहेगा, तब तक भोजन बनाएंगे, कर लो बेटी ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं। बहू भी जॉब करने लगी, जॉब में जाने लगी। अब सास जो थी बहू और बेटे के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाने लगी और अच्छे अच्छे भोजन बनाकर दिया करती थी। बहू ले जाती थी तो उनका सहेलियां लोग जो थे ऑफिस में टिफिन खोलती थी तो इसका धमक लगता था, तो लोग कहते थे कि अरे शीला जो है बहुत सुंदर भोजन लाती है, इसका टिफिन का खाना के लिए लूट मार कर दिया करते थे लोग और छीन के खा जाते थे। एक दिन का बात है कि इनकी एक सहेलिया थी, वो बोली कि अरे शीला तू कल ड्यूटी नहीं आई, मैं भूखे रह गया। कहती है, क्यों री ना, क्यों तू भूखे रह गई? अरे शीला तू नहीं जानती थी, मेरा खाना तो अच्छा लगता ही नहीं है, मैं तो खाना बनाया ही नहीं था कभी, मुझे अकेला कमरा लेकर रहना पड़ रहा है, इसलिए खाना बनाकर खाना पड़ता है, क्या करूं? अब तो मुझे समझ में नहीं आता, तेरा ही टिफिन खाकर मैं पूरे दिन रह जाता हूं, शाम के तो होटल में खा लेता हूं। बोले कि अच्छा तुम लोग कहो तो मैं अपने सास से और टिफिन बनवा दूं। ऑफिस में कई लोग तैयार हो गए, बोले देखो भाई एक टिफिन का 100 रुपया लगेगा। कई लोग देने को लिए राजी हो गए। शीला जाके अपने सास को कहती है कि माँ जी आप तो मेरे लिए टिफिन बनाते हैं, क्या है आप 10 बच्चे का और बना देंगे? सास तो पहले अफर गई, फिर कहती है कि बेटी मैं तो सारा दिन खाना ही बनाया करता था, कोई बात नहीं बना कर दे देंगे, ले जाना बेटी लोगों का भला होगा। सास को ये पता नहीं था कि मेरा खाना बनाया हुआ मेरा बहू बिजनेस करती है। अब बहू जो थी रोज प्रतिदिन सास बनाती थी और एक थैली में भर के टिफिन ले जाया करती थी, खाना सबको ऑफिस में देती थी, पैसे लेती थी। एक दिन का बात है कि जो बेटा दीपक था वो किचन में गया खुद के, और खुद के किचन में जाकर रसोई घर में देखता है कि मेरी माँ तो कम से कम 20 से 25 आदमी का भोजन बनाई है। बेटा बोला, माँ तू कहीं जाने वाली है? बेचारी शिष्या बहना बोली, नहीं बेटा मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इतना सारा खाना
बेटा तुम नहीं जानते हो, बहू बहुत सारे लोग को टिफिन ले जाकर देती है खाना, इसीलिए इतना सारा सब्जी और इतना सारा रोटियां मैं बनाया हूँ। बहू आएगी थैली में भर लेगी और लेकर चली जाएगी। अब उसका पत्नी आई, दीपक चुपचाप किचन में खड़ा रहा। शीला आई, रोटियां सरियाई, रोटियां सरिया कर सब्जियां टिफिन में भरी और जाने लगी। दीपक हाथ पकड़ के कहता है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम मेरी माँ से खाना बनवाती हो इतना लोगों का? नहीं, मेरा माँ खाना नहीं बनाएगी। शीला बोली, दीपक मुझ पे अत्याचार नहीं करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर अपना मायके चली जाऊंगी। दीपक बोला, कोई बात नहीं, ठीक है चली जाना, आज बना हुआ भोजन जाके ऑफिस में दे लाओ, कल के दिन मायके चले जाना। सारे लोग से एडवांस पैसा लेकर रखा करती थी शीला। सांझ का समय हुआ, शीला आई डिप्टी करके, सास ने भोजन बनाई। सवेरा हुआ तो रात में बेटा ने क्या किया कि माँ ने नींद, माँ को दूध में करके नींद का दवा खिला दी। सवेरे होते ही माँ का नींद नहीं खुला, आंखें नहीं खुला, गहरी नींद में सोई रह गई। शीला किचन में जाती है तो किचन में नहीं चाय मिलता है, नहीं नाश्ता मिलता है। शीला को कुछ नहीं मिला। अब शीला सोचती है कि मुझे 25 व्यक्ति का भोजन भी बनाना है। पहले तो 10 का बनता था, तो 15 का हुआ तो 20 का, 25 का बनाना पड़ेगा, मुझसे तो रोटी बनेगा नहीं, अब मैं क्या करूं? सास को जाके झिकझोरने लगी। सास ने नींद में आकर दो तमाचे धर दी पहू को, क्योंकि नशे का दवा उसमें दिया हुआ था, उसे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहू ने सास को तमाचे खाकर किचन में आई, आटा गूंदने लगी। आटा गूंदने लगी, बहू सारा आटा गूंदी लेकिन रोटी नहीं बना। बहू रोटी बनाना छोड़कर और डिप्टी जाना छोड़कर मायके चली गई। मायके से उसका भाई और उसके पिता दोनों लौटा दिए, कहते हैं तू अकेले कैसे आई? तेरे सास जो बूढ़ी हैं, घर पे खाना कौन बनाएगा? उसके भाई उसके पिता जब आए तो देखते हैं कि सास जो है बिस्तर पे लेटी है पूरा दिन, और किचन में आटा उसी तरह रखा हुआ है, सब्जी कट के रखा हुआ है। शीला अपने मायके जा चुकी थी, मायके से आई तो फिर पूरा आटा बनाना पड़ा। उस आटा को फेंकना नहीं पड़ा, उसके पिता और उसके भाई ने भोजन बनवाए कि तू बनाओ, इतना आटा तू क्यों गुनी थी? दीपक ने अपने माँ के बारे में बताया कि मेरे माँ से आपका बेटी ने 25 व्यक्ति का भोजन बनवाती थी और टिफिन ले जाकर ऑफिस में दिया करती थी। मेरी माँ ने क्या इसी यही दिन देखने के लिए मुझे इतना कलेक्टर का पढ़ाई पढ़ाई थी? ये सब सुनकर उसके पिता और भाई शर्मिंदा से नीचे सर झुका लिए। शीला के बहुत डांटे। शीला के पति दीपक थे और ड्यूटी करने को लिए मना कर दिए कि तुम ड्यूटी नहीं करेगी, माँ के सुबह शाम सेवा करेगी, मेरा घर का साफ सफाई करेगी और तू ड्यूटी नहीं जाएगी। उस दिन से शीला को ड्यूटी छोड़ना पड़ा, घर का काम संभालना पड़ा और घर का गृहस्थी देखना पड़ा। शीला अपने सास के सेवा में लग गई, घर के काम में लग गई, कोई ऑफिस और कोई टिफिन नहीं ले जाने लगी। सास जो थी, सास भगवान के धन्यवाद की कि हे भगवान, इतना दिन तो मैंने सब कुछ सहते रह गया, लेकिन अब लगता है मेरा बहू का अकल आ गया, मेरा बहू का हर ज्ञान देना भगवान, सुखी जीवन रखना, मेरे बहू नादान थी,
इसलिए ये सब कर रही थी। तो गुरु भाई बहना, सास ने बेचारी कितना दुख की थी, महादेव ने अपना कृपा बरसाए, हर सुख उसे मिला, हर खुशी मिला, भगवान ने उसे सब खुशियाँ दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। बगल वाली जो घंटी है उसे दबा कर रिफ्रेश करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।